मैं अशोक कुमार, स्वागत है आपका ट्रू मीडिया चैनल में। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइलों की आवाज़ के साथ जोरदार धमाके सुनाए गए। इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हो गए हैं। हालांकि मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस घटना की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कई शहरों की इमारतों से काला धुएं के गुब्बार निकलते देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस ने 12 आत्मघाती ईरानी ड्रोन भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ 75 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। हालांकि उनमें से 41 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर पर भी मिसाइल दागे गए हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले में कई लोगों की मौत की खबरें हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरे यूक्रेन में हुए विस्फोटकों में कई लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस हमें नष्ट करने और पृथ्वी के चेहरे से मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने कहा कि सैव चैवस्की विस्की जिले में कई विस्फोटक हुए हैं। यह इलाका राजधानी कीव के केंद्र में आता है। वहीं समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि विस्फोटक स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:15 के आसपास हुआ। यूक्रेन की राजधानी में हवाई हमले के सायरन की आवाज़ें 1 घंटे से अधिक समय तक के लिए हुई। कीव में आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एसोसिएट्स प्रेस को बताया कि कई लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों की मौतें हुई हैं। बचाव दल अभी अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरे यूक्रेन में हुए विस्फोटकों में कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस हमें नष्ट करने और पृथ्वी का चेहरे से मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह एक के बाद एक मिसाइलें छोड़कर 75 मिसाइलें दागी गई, जिससे शहर भर में किस तरह से लोगों की मौतें हुई। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।